भाई मैं आया था कि मुझे रिपेयर करने, रिपेयर क्या थोड़ी प्रॉब्लम थी, बाद में दिखाएंगे। इधर है अदरक के पेड़, अदरक लगा रखी है, पत्ता बहुत छोटा है इसका। ये अपना टोपी खड़ा है, मैं तो समझ रहा था ये बांस के पेड़ है शायद ना, मगर ये अंकल जी कह रहे हैं अदरक है, अदरक। और हम खड़े हैं बीचों बीच पहाड़ियों में, चारों तरफ पहाड़ी हैं। इधर रोड का काम चल रहा है, मिक्सर चल रही है अपनी, मिक्सर के जरिए आए थे अपना। एक बोरी मसाला बन गया, चलो तीन बोरी बना दी अपने सामने। चलो भाई हैंडल मार दो, कर दो स्टार्ट। अब एक आध घंटा हम यहाँ पर रहेंगे और ये माल बनाना चालू हो गया, मशीन भी स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं इसमें, वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं, इसके 13 दांत वाला जो गियर होता है उसका एक पीछे का थोड़ा सा कोना टूट गया है। वो टूट गया होगा, कोई कंक्रीट का कोई दाना या बजरी का कोई चला गया होगा, छोटा मोटा फंस गया होगा बीच में, और तो कोई कारण उसका टूटने का है नहीं, क्योंकि बजरी डालने के कारण हो सकता है कोई बजरी वहाँ जाकर फंस गई हो, दांतों के बीच में कोना टूट गया हो, थोड़ा सा टूटा है। तो अंकल जी ने मशीन जो थी बंद करा दी थी, कह रहे थे कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर हमें आना पड़ा मजबूरन। आए हम तो आने के बाद देखा यहाँ पर उसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी 13 दांत वाला गियर हम अपने साथ लाए थे, लेकिन मशीन चल रही है बढ़िया, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कोना टूट गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मशीन चलती रहेगी, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेबर जब हम आए तो लेबर बैठी थी, मैंने आगे मशीन को स्टार्ट करवाया, स्टार्ट करने के बाद मशीन में मेरे सामने ही सामने सामने दो तीन बोरे माल बनाया गया वहाँ पर, तकरीबन एक घंटा में वहाँ पर रहा। और जब संडे भी है, आज संडे थे खाली थे, इसलिए बाकी तो संडे के अलावा टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि काम इतना है और लड़के भी कम है मेरे पास, अभी काम करने वाले सारे लड़के घर गए हुए हैं, तो संडे को छुट्टी होती है, इसलिए मैं आ गया था अंकल जी के पास। मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन चल रही है बढ़िया, और यहाँ पर रोड का काम चल रहा है। और ये लेबर जो है, ये लेबर ये उत्तर प्रदेश हरदोई की है, ये मेरे को बता रहे थे हम यूपी के हैं।